यह खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाईवे पर जमकर हुड़दंग मचाया है, जिसकी वजह से दिन भर पूरा शहर जाम की चपेट में रहा। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ के अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव की जीत की खुशी में एक विजय जुलूस निकाला गया था। इसमें कई नेता शामिल हुए थे। नोट उड़ाए जा रहे थे, आतिशबाजी की जा रही थी। और ये बात और है कि जाम में घंटों लोग परेशान रहे, लेकिन इन नेताओं को, उनके समर्थकों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, मोटरसाइकिलों का ये काफिला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से होता हुआ शहर के विभिन्न रास्तों से गुजरा और समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचा। रास्ता जाम रहा, लोग परेशान रहे, मुरादाबाद शहर के लोग परेशान रहे। वहाँ से गुजरने वाले जो दूसरे शहरों में जा रहे थे, नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे, वो लोग परेशान रहे। लेकिन विजय जुलूस के नशे में चूर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस कदर बिजी थे कि उन्हें कोई परवाह लोगों की नहीं। कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है। बीजेपी और साथी प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।